नमस्कार दोस्तों, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के आज की डेट में बच्चा बच्चा परिचित है। अब क्वेश्चन यह आता है कि जब कोई व्यक्ति यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के थ्रू अपने खाते में पैसा रिसीव करता है कि मैंने एक यूपीआई कोड स्कैनर अपने बिजनेस प्लेस पर लगाया, कोई ग्राहक या कोई क्लाइंट मेरे यहाँ पर आए और उन्होंने मेरी सेवाओं के लिए या मेरी गुड्स के लिए जो मुझे पेमेंट है वो यूपीआई से कर दिया। अब एज अ रिसिपिएंट यदि मैं कोई पेमेंट का भुगतान यूपीआई से प्राप्त कर रहा हूं तो मुझे कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का टैक्सेशन एस्पेक्ट से या ट्रांजेक्शनल एस्पेक्ट से ध्यान रखना चाहिए, वो बातें इस छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जब आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं तो यूपीआई आपके किसी बैंक खाते से कनेक्टेड होता है। यानी फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मेरी सेवाएं ली, मैंने आपको अपना यूपीआई कोड या स्कैनर दिया और आपने जो पेमेंट मेरी सेवाओं के लिए मुझे ट्रांसफर किया वो मेरे यूपीआई अकाउंट में जहां आता है वो यूपीआई अकाउंट मेरे सेविंग बैंक अकाउंट से या करंट बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। तो एक प्रकार से वो ट्रांजेक्शन बैकएंड में मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्रेडिट के रूप में रिसीव होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं और आप यूपीआई के थ्रू पैसा रिसीव कर रहे हैं तो क्या आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में भी बिजनेस से रिलेटेड प्रोसीड्स रिसीव कर सकते हैं या आपको करंट बैंक अकाउंट के साथ अपना यूपीआई लिंक करना चाहिए? दोस्तों, बहुत से ऐसे छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने अभी अभी अपना काम शुरू किया है और वो हो सकता है करंट अकाउंट होल्ड ही नहीं करते और वो सेविंग अकाउंट में अपने यूपीआई के ट्रांजेक्शन का पेमेंट रिसीव करते हैं। तो आइडियली मेरी सलाह तो ये रहेगी कि जब आप बिजनेस से रिलेटेड पेमेंट, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड पेमेंट, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपका यूपीआई जिसमें आप पेमेंट रिसीव करते हैं वो एक करंट अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप सेविंग बैंक अकाउंट में यूपीआई को लिंक करके अपने बिजनेस से रिलेटेड रिसीट नहीं ले सकते। ले तो सकते हैं, पर या तो आपको फिर अपने सेविंग बैंक अकाउंट से अपने करंट अकाउंट में वो फंड्स ट्रांसफर कर देने चाहिए अगर करंट अकाउंट भी है तो, और यदि कोई करंट अकाउंट नहीं है और आपका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो आपको ये बात सोचनी चाहिए कि मैं अपने करंट बैंक अकाउंट खुलवाऊं जिसके साथ बिजनेस से रिलेटेड यूपीआई ट्रांजेक्शन रिसीव संबंधी एंट्री मैं दिखा सकूं। ये एक इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आपको यहां ऐड करना चाहता हूं। अब मैं दूसरा पॉइंट आपके सामने रखता हूं, वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन। कि जब एज अ बिजनेसमैन, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ प्रोफेशनल आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि मेरी ये वीडियो डेडिकेटेड ऑन द रिसीट साइड है कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो आपके ट्रांजेक्शंस का वॉल्यूम क्या है? मैंने पिछली स्लाइड में भी ये बोला दोस्तों कि आपका बिजनेस प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, अभी अभी शुरू हुआ है, आप उसे सेविंग अकाउंट से लिंक करके रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरा बिजनेस तो अनूप जी बहुत अच्छा चलने लगा है या चल पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होने पे दोस्तों यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट आप रिसीव करते हैं वो आइडियली आपके करंट अकाउंट से लिंक यूपीआई में आना चाहिए, ऐसा मेरा सलाह है। एक और एस्पेक्ट दोस्तों जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आर यू रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ और नॉट। आप बोलेंगे अनूप जी ऐसी क्या जरूरत आ गई? देखिए दोस्तों, आपको पता होगा ऑलरेडी, ये बात आपको अपडेटेड होगी कि यदि आप गुड सेल कर रहे हैं तो 40 लाख से ऊपर की सेल पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए और यदि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको 20 लाख से प्लस की सर्विस प्रोवाइड करने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। अब आप मान लीजिए यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो आपके सेविंग अकाउंट से लिंक्ड है, चाहे वो आपके करंट अकाउंट से लिंक्ड है, और आपके यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट आ रहे हैं वो आपके सेविंग या करंट अकाउंट में ऑलरेडी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख प्लस या 40 लाख प्लस से ऊपर निकल गए और अभी भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिए बिना काम कर रहे हैं, तो ये तो सर आपने आबैल मुझे मार की कहानी चरितार्थ कर ली कि आने वाले किसी दिन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट आपको राडार पे ले लेगा। क्योंकि सर कैश ट्रांजेक्शन में तो आप यदि कोई काम करते हैं तो पता नहीं चल रहा है कि आपकी कितनी रिसीट है, क्योंकि आप वो चीज जब तक रिपोर्ट नहीं कर रहे, आप खाते से रोटेट नहीं कर रहे, तब तक वो चीज सरफेस पर नहीं आएगी। पर यूपीआई ट्रांजेक्शन की तो ट्रेल पूर्णतः अवेलेबल है, तो यू हैव टू थिंक ऑफ के, और ये देखना पड़ेगा आपको कि जो पेमेंट आप यूपीआई के थ्रू रिसीव कर रहे हैं
उनमें आपकी अगर जीएसटी लेवल ब्रीच हो रहे हैं तो आप जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा के आगे उस जीएसटी लॉ की संबंधी कंप्लायंस भी सुनिश्चित करें। एक और बात दोस्तों, कि आपने ये तो समझ लिया कि अनूप जी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सर्विस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हो सके तो यूपीआई को अपने करंट अकाउंट से लिंक करें, पहली सलाह। दूसरी बात, जीएसटी के कंप्लायंस को सुनिश्चित करें अगर एप्लीकेबल है तो। तीसरी बात, क्योंकि आप अपने अकाउंट में, और बहुत सी बार मैंने ये भी देखा है कि लोग अपने अकाउंट में पैसे ना लेकर यूपीआई के अपने रिलेटिव से, वाइफ या बच्चों के किसी अकाउंट में भी यूपीआई से रिलेटेड बिजनेस के पेमेंट रिसीव कर रहे होंगे। अगर आपने ऐसा भी कोई व्यवस्था कर रखी है तो क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स से कनेक्टेड है, आपके बैंक अकाउंट की केवाईसी में आपका पैन, आपका आधार अपडेटेड है, तो दोस्तों आप ये भी तो विचार करें कि जब आप यूपीआई के थ्रू बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो क्या आपने उस व्यक्ति, चाहे वो आपके स्वयं के नाम का यूपीआई से लिंक्ड अकाउंट हो या आपके किसी रिलेटिव से रिलेटेड यूपीआई अकाउंट हो, उनकी आईटीआर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ फाइल की या नहीं करी। यदि आप आईटीआर नहीं फाइल करेंगे और उधर आपके ट्रांजेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं खाते में, तो वो भी तो एक क्वेरी बनेगी फ्यूचर में कि आपने ऐसी क्या इनकम कमाई। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिगर इतना खतरनाक है कि आप यदि आईटीआर के थ्रू अपने ट्रांजेक्शन को प्रॉपर रिपोर्ट नहीं करते, तो मान लीजिए किसी सज्जन ने यूपीआई के थ्रू माल बेचा 8 लाख रुपए का, परचेजेस उनकी कुछ भी थी और उन्होंने आईटीआर नहीं भरी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्राइमा फेसा ये इंटरप्रिटेशन ले लेगा कि आपने तो 8 लाख की इनकम कमाई साहब, रिटर्न नहीं भरी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट व्यवस्था आईटीआर से रिलेटेड भी हो सकती है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों निश्चित रूप से यूपीआई ने या यूपीआई के ट्रांजेक्शन ने भारत की अर्थव्यवस्था को पिछले कुछ समय में, या मैं बोल सकता हूं स्पेसिफिकली कोरोना पीरियड में, बहुत जबरदस्त एक पेस दिया है और हमारे पेमेंट करने के तरीकों में अब सब्सटेंशियल बदलाव आ चुका है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर समझने की, वो क्या कि यदि आप यूपीआई ट्रांजेक्शन के थ्रू कुछ पेमेंट रिसीव करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो जो जो पॉइंट्स मैंने यहां पर डिस्कस किए, आई होप आप उन्हें ध्यान रखें और उनकी अनुपालना करते हुए आप अपने बिजनेस को स्मूथली चलाएं। सो दिस इज वॉट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।